આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર સુરત શહેર શિવસેના પ્રમુખ તરીકે અવિનાશ પાટીલની વરણી કરાય હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ શિવસેના સુપ્રીમો બાળાસાહેબ ઠાકરેનાજીના આશીર્વાદથી તેમજ હાલ શિવસેના પક્ષ પ્રમુખ અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકોરના સાહેબના માર્ગદર્શન તેમજ ગુજરાત રાજ્ય સંપર્ક પ્રમુખ રાજુલબેન પટેલ તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઉમેશ એન્જિનિયર સાહેબના આદેશથી સુરત અને તાપી જિલ્લા પ્રમુખ અરુંડી કલાલ સાહેબના હસ્તે આજરોજ સુરત શહેર શિવસેના પ્રમુખ તરીકે અવિનાશભાઈ પાટીલને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી ત્યારે સુરત કાર્યકરોમાં ઉત્સાહની લાગણી જોવા મળી હતી ભાવેશ કાતરોડિયા સાથે અમિત ડોડિયા સ્પીડ ન્યૂઝ સિંગ સુરત सलाह मसलत करने के बाद जगत जाने माता भवानी हिंदू स्वराज्य के संस्थापक राजा धीरज छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों हिंदू के हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी इन सभी का आशीर्वाद लेके आज जो मेरे साथ शिवसेना में तकरीबन पिछले 17 सालों से कंधे को कंधा मिला के शिवसेना का संगठन के लिए जो मेरे साथ है ऐसे अविनाश रमेश भाई पाटिल इनको आज ऊपर चर्चा होने के मुताबिक गुजरात के संपर्क प्रमुख राजुलबेन पटेल गुजरात के राज्य प्रमुख उमेश भाई इंजीनियर इनसे सलाह मसलत करने के बाद उन्होंने कहा कि सर आप सीनियरिटी को प्रायोरिटी दीजिए और ये जो नियुक्ति करना है ये सब जिला प्रमुख के अलावा किसी को अधिकार नहीं है वही कर सकता है तो उनके आदेश के अनुसार आज 29/1/2021 के रोज सूरत शहर शिवसेना के प्रमुख तरीके अविनाश भाई को नियुक्त करता हूं और इनके साथ में जो भी जुड़े हुए सालों से उन सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना का संगठन मजबूत करना है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द शिवसेना के शहर उपप्रमुख जिला उपप्रमुख की नियुक्ति की जाएगी जिससे सब साथियों ने शिव सैनिकों ने अपने काम में लग जाना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए। जय हिंद जय भारत।